हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल किरण बालकनी गार्डन एंड ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बताने वाले हैं जो कि बहुत ही सुंदर पत्तियों से जाना जाता है और बड़ी चमकदार पत्तियाँ होती हैं और ये इजीली लग जाता है, कटिंग से लग जाता है। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, ये फिलोडेंड्रॉन का पौधा है जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बड़ी आसानी से ही लग जाता है, सर्वाइव कर जाता है आपके गार्डन में। ये कटिंग से लगता है और बहुत ही ईजिली कटिंग लग जाती है इसकी, चाहे आप पानी में ग्रो करें या फिर सॉइल में दबा दें। तो दोस्तों, ये कई वैरायटी का होता है। ये हमारे पास नॉर्मल वैरायटी का है और मतलब जो दूसरी वैरायटी का होता है वो थोड़ा अलग होता है, उसमें कलरदार होता है और ये तो ग्रीन कलर का ही है। तो दोस्तों, आज मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी और कटिंग कैसे लगाई जाती है ये भी मैं आपको बताऊंगी और कहाँ पे इसे रखना चाहिए, कब कब इसे फर्टिलाइज़र देना चाहिए वो भी मैं बताने वाली हूँ। पहले चलिए कटिंग के बारे में बताती हूँ। देखिए, इसकी जो रूट निकली हुई है, ये देखिए ये इन रूटों से ये बहुत ही आसानी से आपके किसी भी पॉट में सेट हो सकता है। और ये देखिए, काफ़ी हेल्दी प्लांट है ये और एक ही ब्रांच में देखिए कितनी टहनियाँ और कितनी रूट्स निकली हुई हैं। तो दोस्तों, इस पौधे को लगाना बहुत आसान है। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे और काट करके कटिंग भी लगाना सिखाएंगे आपको। आप देख रहे हैं इसकी जो बड़ी बड़ी जड़ें निकली हुई हैं, मोटी मोटी, ये इन्हीं के द्वारा ये पौधा ज्यों का त्यों लग जाता है। अगर इन्हीं रूटों को मैं काट करके लगाऊंगी इतना सा, तो ये दूसरे पॉट में सेट करूंगी तो ये बहुत आसानी से चल जाता है। तो दोस्तों, आइए मैं आपको काट करके दिखाती हूँ कहाँ से इसे काटना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, एक ही ब्रांच में कितनी जड़ें निकली हुई हैं, ये देखिए। तो इसको कहाँ कहाँ से काटना है ये मैं आपको अभी दिखा रही हूँ काट करके। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, मैं इसको अभी यहाँ से इसको कट करूँगी। काटने के बाद ही ये जो है वहाँ से फिर नई ब्रांचेस निकल जाएंगी और आपके इसकी वजह से, जड़ों की वजह से कई पौधे आपके बन जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं चाकू की मदद से काट रही हूँ। ये देखिए, कट भी गया है। ये देखिए, मैंने इसको काट लिया है और इसके जो है उस वाले पौधे से हमने इसको अलग कर दिया है। ये देखिए, अब देखना ये है कि इसमें कितने पौधे बन सकते हैं। ये देखिए, मैंने काट लिया है और अब देखना है कि इसके कितने पौधे बन सकते हैं। और दोस्तों, ये देखिए, मैं इसके जो है दो पौधे तैयार कर लूँगी। ये देख सकते हैं इसकी जो जड़ें निकली हैं और ये जो देखिए नई नई पत्तियाँ निकली हुई हैं, एक ये और दूसरा ये देखिए। और मैंने ये पॉट भी बना रखा है, ये देख सकते हैं आप, इसमें शिफ्ट करूँगी मैं इसको। तो आइए चलते हैं, लगाते हैं और इन जड़ों को मैं इसी में लपेट दूँगी ताकि ये देखिए, इन जड़ों को इसी में लपेटने के बाद ये देखिए, ताकि ये देखिए, मैं इसी में ऐसे गोल गोल घुमा करके इसी में सेट कर दूंगी। और सेट करने के बाद चाकू की मदद से यहाँ पे एक होल करके, ये देखिए इधर जो है ये देख सकते हैं आप,
आसानी से इसे मैं इसमें शिफ्ट कर दूंगी। ये देखिए इधर ये इस पोर्शन से मैंने काटा था और अब मैं इसे इधर लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए और थोड़े ही दिनों में फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा पौधा बन करके तैयार हो जाएगा और इसकी जो जड़ है इस वजह से इसकी कोई भी पत्ती सूखेगी नहीं, बिल्कुल ज्यों की त्यों रखी रहेगी। ये देखिए नीचे गिर गया है, मैं अभी उठाती हूँ इसको। ये देखिए दूसरा ये है, इसकी जड़ों को मैं गोल समेट करके इसी में लगा दूंगी, ऐसे सेट कर दूंगी और ये हमारा दूसरा प्लांट तैयार हो गया। और इसकी पत्तियां सूखेंगी नहीं, ज्यों की त्यों लबनी रहेंगी। और ये देख सकते हैं इसमें भी अभी कई कई ब्रांचेस निकली हुई हैं, जिनमें ये देखिए कितनी लंबी लंबी जड़ें ये देखिए निकल चुकी हैं। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो आज का आपको कैसा लगा, कटिंग से लगाएं बहुत सारे पौधे हो जाएंगे इसके, और मार्केट में आपको ये 60 से 100 रुपए तक का मिल जाएगा। ये नॉर्मल वैरायटी है, जो दूसरी टफ वैरायटी वाला है वो तो आपको 100 रुपए तक का मिलेगा। ओके बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।